भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। और आज एक प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस पे बहुत सारे मेरे को कमेंट आते हैं कि मिसिंग मिसिंग मिसिंग। तो आज इंजन मिस फायर कर रहा, तो मिस फायर का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और इसमें पानी की भी लीकेज है, माइनर लीकेज था बहुत पहले, लेकिन अब थोड़ा लीकेज बढ़ गया है, तो पानी का लीकेज भी चेक करेंगे। और इसका क्लच में प्रॉब्लम है, तो इसका क्लच भी देखेंगे आज। और मिसिंग का जो मेथड होना चाहिए ना, ओरिजिनल मेथड, कैसे मिसिंग को चेक करें, वो मेथड बताऊंगा। अब पूरा सॉल्व करके बताऊंगा क्या परेशानी थी, क्योंकि ये 2-3 महीने से प्रॉब्लम थी, तो भाई छोटा मोटा तो प्रॉब्लम होगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि किसी मिस्त्री को नहीं चेक कराया होगा, ऐसा भी नहीं है। तो प्रॉब्लम तो ठीक ठाक है, मिसिंग से रिलेटेड है, तो मेरे को बहुत एक्साइटेड हूँ इस मिसिंग को चेक करने के लिए। और इस मतलब ऐसे काम तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, अच्छा लगता है मुझे देखने में भी या करने में भी। तो मिसिंग से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात करूंगा, पूरा वीडियो देखिए कम्प्लीटली कैसा मेथड जा रहा है मेरा, और कैसे मैं वीडियो को कम्प्लीट कर रहा हूँ और कैसे काम करता हूँ, ये पूरी कम्प्लीट मेथड। और भैया जिन लोगों ने सब्सक्राइब रखा है, प्लीज उन लोगों से निवेदन है कि बेल आइकन का जो बटन है ना, वो दबा लीजिए, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा तब बेल आइकन का बटन आप प्रेस करेंगे। और नए जो लोग हैं उन लोगों से देख लीजिए, आप लोगों पे डिपेंड है, वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और रही लाइक की बात, तो वीडियो देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है तो फिर लाइक, और नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में मेरे को लिख दीजिएगा कि ये चीज की कमी थी वीडियो में, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। पर लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, कोशिश कीजिए देने का। इससे क्या होता है, मेरा खुद का उत्साह बढ़ता है कि वीडियो कैसा बना रहा हूं, अब वीडियो अच्छी है या बुरी, और डिसलाइक से पता पड़ता है, क्योंकि अभी क्रैंक सेंसर का बनाया था 4500 से ऊपर खाली लाइक्स हैं, तो थोड़ा उत्साह बढ़ा है उसके कि क्रैंक सेंसर के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं मिसिंग, क्रैंक सेंसर, छोटी छोटी जो रनिंग चीजें हैं जो पर डे दूसरे दिन तीसरे दिन आने वाली है, उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। अब मिसिंग से रिलेटेड ये पहला वीडियो है, और ये तो पहला स्टेप सिलेंडर कन्फर्म का, और दूसरा स्टेप विदाउट सिलेंडर कन्फर्म का। जैसे कई गाड़ियों में कन्फर्म नहीं हो पाता कि मिसिंग कौन से सिलेंडर से है, तो उसके लिए भी स्पेशल वीडियो मैं देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और ये हुंडई की i10 मिसिंग की प्रॉब्लम 3 महीने से थी। मिसिंग कर रही है ना, हाँ तटा भाई नीरज अब आप लोगों का बहुत सारे सवाल होता है कि ये गाड़ी मिसिंग करती है, ठंडी गाड़ी में करती नहीं है और गर्म गाड़ी में करती है, तो आज उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके सामने कार है, देख रहे हैं मिसिंग कर रही है कितना ज़बरदस्त। ये ठंडी में मिसिंग नहीं है, ये सिर्फ हीट होने पे ही मिसिंग कर रही है। ये यहाँ से पता पड़ेगा आपको, ये सबसे पहले क्या करना है, कन्फर्म करना है कि इस टाइम में, इस सिचुएशन में मिसिंग कौन सा सिलेंडर कर रहा है। तो मान लो, सपोज करो हम एक नंबर से चालू करते हैं, एक नंबर सिलेंडर से, इंजेक्टर से ही चेक कर लेते हैं। तो इंजेक्टर से ये इससे फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है सही। अरे दो नंबर का चेक कर लेते हैं, ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल ही, बिल्कुल काम नहीं कर रहा ये, ये नहीं काम कर रहा है। इसको लगा लो, 3 नंबर को चेक करते हैं, ये काम कर रहा है, ये सिलेंडर काम कर रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर को एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी काम कर रहा बढ़िया। देखो इंजन कैसे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है इसके निकालने से, ये लगा दिया, थोड़ा सेट हुआ है, पर 2 नंबर का निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो, इसका मतलब हमारी मिसिंग तो कन्फर्म हो रही है कि 2 नंबर सिलेंडर से है, लेकिन 2 नंबर सिलेंडर का क्या है, इसका करंट चेक कर लेंगे। एक बार पिलास देना भाई, पिलास। अब 2 नंबर का जो मिसिंग ये कर रही है, पॉइंट मिस कर रहा है 2 नंबर का, देखो अलग से मैंने निकाल रखा है, 1, 2, 3, 4, तो 2 नंबर का काम नहीं कर रहा चूंकि, तो 2 नंबर का हम लीड में करंट चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा।
कॉइल अपना प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन इसके निकालने से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मामला, थोड़ा साइलेंट हुआ। काम तो कर रहा है लेकिन बहुत मामूली काम कर रहा है। काम अपना कर रहा है लेकिन मामूली काम कर रहा है। इससे हमें ये पता पड़ रहा है, इससे ये पता पड़ रहा है कि ये करंट भी इसका सही है, इसका करंट सही है, लीड भी सही है और स्पार्क प्लग भी सही काम कर रहे हैं। और स्पार्क प्लग के साथ साथ इंजेक्टर भी ठीक काम कर रहे हैं अपना। क्या है कि अभी देखो इसके निकालने हुए फर्क पड़ रहा है। अब इसमें देखो, इसको हटा रखा है मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, इसका मतलब काम कर रहा है। और ये सिर्फ हीट पे प्रॉब्लम है, ठंडी गाड़ी में बिल्कुल स्मूथ है, तो इसके हेड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम हेड को खोलेंगे और हेड में चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों मिस कर रहा है। या तो हो सकता है वाल कट गए हों, या इसके पहले टैपिड में चेक कर लूँगा, टैपिड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, यदि टैपिड में नहीं होगा, टैपिड ओके होंगे, फ्री होंगे, तो फिर हेड के अंदर कमी होगी। तो मैं हेड को खोल के और अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको। आपने देख लिया मिसिंग का क्या प्रोसेस है। देखो दो नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा, निकाल के हटा दिया, बिल्कुल थोड़ा सा भी असर ना पड़ रहा है। ये देखो थोड़ा इंजन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये देखो। लेकिन इससे पता पड़ता है कॉइल वाले करंट से कि हाँ ये काम कर रहा है इंजेक्टर, ये कॉइल वाले करंट से पता पड़ता है, क्योंकि करंट हटा देते हैं डायरेक्ट तो बिल्कुल काम नहीं करता ये। तो इसलिए मैं हेड के अंदर कमी है और हेड को मैं खोलने वाला हूँ। ऐसे लिखा मिट्टी ना गिरा बस, मैं बहुत बुरा कंडीशन हो रहा भाई। टैबलेट फ्री है भाई, आवाज आ रहे हैं। एक थोड़ा सा और घुमा दे ताकि ये भी हो जाए। इधर से इंजन घुमा दे जरा, चल घुमा 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 घुमा, बस रुक जा। दो नंबर का आ गया, अब दो नंबर का ये चेक कर लो, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। दो नंबर का केम की भी फ्री है। अब ये मत कहना कि उस्ताद जी आपने इंजेक्टर नहीं चेक किया, ठीक है, क्योंकि अब यही तो तजुर्बा है भाई। अब कंफर्म हो गया कि हेड में ही दिक्कत है, तो इसलिए हेड खोल रहा हूँ मैं। और क्लच भी चुकी करना है, माइनर लीकेज पानी का है तो भी देखना, इसलिए पूरा इंजन बाहर निकाल रहा हूँ मैं। अब जो है भैया पूरा इंजन बाहर निकाल लिया हमने, अब इसे ये है प्रॉपर चेक हो जाएगा कि लीकेज कहाँ से है पानी की, क्योंकि पानी का लीकेज ही बहुत दिन से था और समझ में नहीं आ रही थी। अब कंप्लीट इंजन निकाल लिया है तो बिल्कुल करेगा, परफेक्ट तरीके से लीकेज का भी पता पड़ जाएगा। और फॉल्ट तो देखेंगे अभी, मिसिंग का जो फॉल्ट है हेड के अंदर दिक्कत मुझे लग रही थी, अब देखते हैं दिक्कत कहाँ निकलती है, तो उसे भी कंप्लीट मैं दिखाऊंगा। वीडियो आप पूरा कंटिन्यू देखते रहिए, आप लोगों के लिए बनाया। अब ये देखो आप देख सकते हैं ये सिलेंडर का हाल। अब ये देखो एक नंबर जो है कितना बढ़िया है, बढ़िया कंबर्सन हो रहा है एक नंबर में, दो नंबर कंबर्सन ख़राब हो रहा है, तीन नंबर सही कंबर्सन, चार नंबर ओके। अब यहाँ आ जाओ, हेड चेक करते हैं। ऐसे एक नंबर ओके, दो नंबर जो मिसिंग कर रही थी एक कंडीशन है देख लो, और तीन नंबर भी सही है, चार नंबर भी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ फर्क, इसकी वजह से गाड़ी मिस कर रही थी। तो यही तो होता है तजुर्बा पकड़ने का कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। हमें पता पड़ रही थी कि सुबह स्टार्टिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तो ना तो करंट में प्रॉब्लम है ना इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, लेकिन गर्म होने के बाद से दिक्कत करती है, यानी गर्म होने के बाद से ये वाला सिलेंडर सही से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मिसिंग बढ़ जाती है गाड़ी के अंदर।
तो इसलिए मैं तो नॉर्मली आपको चेक करा दिया इंजेक्टर के बारे में। एक नंबर, दो नंबर मिसिंग हमारी कहाँ थी, दो नंबर में मिसिंग थी। तो ये आप देख सकते हैं दो नंबर का क्या कंडीशन है, ये देख रहे हैं किनारी से सारा गल गया है। और ये वाल को जरा निकालो जरा एक बार, अब देख रहे हैं ये पूरा सीट कैसे गल गया है टोटल। और यहाँ कंबर्सन, जो कंप्लीट कंबर्सन होना चाहिए वो कंबर्सन हो नहीं पाता है, कंप्रेशर ही वीक हो जाता है इसका, जिसकी वजह जो मिसिंग की प्रॉब्लम है पिकअप का मिसिंग का, तो मिसिंग इससे ही था दो नंबर से। और आप लोग सोच रहे होंगे यार कि ये इंजेक्टर भी नहीं चेक किए, प्लग वायर भी नहीं डाले, प्लग भी नहीं डाले और अचानक से बोल दिया यार हेड खराब है। इटली देख सकते हैं इसका तो गला ही गला है, ये देखो कितना, ये दो नंबर जो मिसिंग कर रही थी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा हाल है इसका। ये मैंने वाल ली इसके अलग किए हैं, तो ये सारे कंप्रेशर जो है ना साइडों से, ये देखो ये किनारी देख रहे हो ना, ये सारे कंप्रेशर साइडों से लीक कर जाता है, इतना गल गया है पूरा। तब इस हेड को कम्प्लीटली चेंज करने में फ़ायदा है, रिपेयरिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे लगाओ काफ़ी 6-7 हज़ार रुपये भी लग जाएंगे और मज़ा नहीं आने का। और ज़्यादा ये देखो इधर भी गला हुआ है पूरा, ये पाइप भी गली हुई है। अब क्या कितना रिपेयरिंग करवाओगे इसे, इससे बढ़िया हेड को कम्प्लीटली चेंज करके और तभी बात बनेगी। और हेड कम्प्लीट अब चेंज करके मैं पूरा वीडियो तो नहीं, हेड फिटिंग का नहीं दे पाऊँगा, पर ये है कि कंप्लीट करके मैं एक बार चेक करवा दूंगा आपको कि देख लो ये रिस्पॉन्स आ रही है, ठीक है। तो आगे देखते रहो बस, अब हेड दूसरा मैं सेकंड हैंड लेने जा रहा हूँ और लेके आके फिर चेक करवाता हूँ आपको। वह भैया हेड को कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं, चल रहा है काम इसका हेड कंप्लीट का। ये देखो इधर से तो फिटिंग कर दी है रात को 10 बजे और इतना रह गया इधर, ये सब कर करा के और बाकी अभी स्टार्ट करवा के दिखवाते हैं। चल भैया लगा सारे फिटिंग कर। अभी भैया फाइनल हो रहा है और उसके बाद से मैं स्टार्ट करके अभी चेक करवाता हूँ थोड़ा सा। ये कंप्लीट मैंने कर दिए हैं और बैटरी लगा और स्टार्ट करो, उसके बाद से देखते हैं फिर। चलो स्टार्ट करो। बिल्कुल सेट हो गई गाड़ी अब। बिल्कुल सेट हो गए, देख रहे हो बिल्कुल साइलेंट हो गया इंजन। थोड़ा सा भी हैंटिंग नहीं है इसमें। साउंड ही बता रहा है यार उसमें बड़ा किट 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 खाली साउंड। बैटरी बनाया हुआ है, हेड चेंज किया इसका, मज़ा ही आ गया। अरे हेड गला हुआ था बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से गल रहा था। अब देखो कितना साइलेंट हो गया इंजन, बढ़िया चलेगी, वरना उस हेड को रिपेयरिंग करवा के हम ज़्यादा नहीं चला पाते इसे, मामूली सा चलती, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 महीने 4 महीने रिपेयरिंग तो ऐसे ही होता है। और ये कंप्लीट चेंज हो जाने से बेहतरीन है। अभी टेम्परेचर लो है, अभी हाई टेम्परेचर करके भी चेक करवाता हूं मैं। बाकी गाड़ी बढ़िया हो गई, बिल्कुल मस्त बिंदास हो गई गाड़ी। अभी इसका फैन चल रहा है, बिल्कुल सेट है इस टाइम में। साउंड सुन ही सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन साउंड हो गया। और ये है अपना, ये देखो टेम्परेचर ठीक है आ गया, बढ़िया। मैंने काफी हीट वीट कर लिया इसे अच्छा से, अब बेहतरीन हो गई गाड़ी अपनी, कोई हैंटिंग कोई कुछ नहीं। ये देखो
गियर लीवर को आप यहाँ गौर करो, थोड़ा सा भी हैंटिंग नहीं है। स्टेयरिंग आप चाहे कर लो, बिल्कुल ही साइलेंट है। अब मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, ते है भाई हेड चेंज करके ही बात बनी है बिल्कुल। गाड़ी स्टार्ट है 800 आरपीएम पे, रुका हुआ बिल्कुल साइलेंट है गाड़ी। तो यही है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।